इंदिरा गांधी को लेकर मोदी के बोल बदल गए हैं। मोदी ने कल मुंबई में इंदिरा गांधी का नाम लेकर निशाना साधा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उन्होंने आरोप इंदिरा गांधी पर नहीं बल्कि इंदिरा गांधी की पार्टी पर लगाए थे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह दावा भी किया है कि मोदी ने अपने भाषण में जिस मैनिफेस्टो का जिक्र किया था वो 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनावों के दौरान जारी कांग्रेस आय का मैनिफेस्टो है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस आय के उस मैनिफेस्टो में सत्ता में आने पर कथित तौर पर बाइबल राज स्थापित करने की बात कही गई थी। मोदी कैंप की तरफ से यह सफाई भी दी गई है कि मोदी का आशय इंदिरा गांधी को सांप्रदायिक बताने का नहीं था, बल्कि वो तो उनके नाम से चलने वाली पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति की तरफ इशारा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही सफाई में अब भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन मोदी ने कल मुंबई में जो बयान दिया था उसमें तो वो सीधे सीधे इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं। इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा पाप किया। मैं एक ही बात करूंगा, वैसे तो बहुत